हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिस्ट्री। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं भाई साहब पत्र लेखन। पत्र लेखन है, आपने कभी लेटर किसी के नाम लिखा है कि नहीं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। नहीं लिखा है तो आज मैं आपको सिखा दूंगा कि आखिरकार आप कैसे पत्र लिखेंगे उनके नाम, यानी कि जिनके नाम पेपर में दिया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत ही प्यारा पत्र लेखन मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ यार, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 6 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। जितने टाइप के पत्र लेखन मिलते हैं ना पेपर में, सारे टाइप को मैं पढ़ा दूंगा, एक एक करके हर एक टाइप में क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और हाँ, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं देख पा रहा हूँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार कर लो सब्सक्राइब यार, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को शेयर कर देना। सारी वीडियोज आपको मिलेगी टेलीग्राम एस के मिस्ट्री पर, यानी कि वीडियोस की पीडीएफ, ये जो है ना इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर भेज दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे यार, तो टेलीग्राम पर जाइए एस के मिस्ट्री से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और पत्र लेखन ये टॉपिक तैयार करो हिंदी वाले जो बच्चे हैं, 6 नंबर बिल्कुल पक्का होगा और आप मिला लीजिए, आप जाके देख लीजिए। और ये आपके प्रश्न क्वेश्चन, जो क्वेश्चन ये पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है भाई साहब, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, जो वहाँ पे पत्र लेखन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि आपने मोहल्लों में, अपने मोहल्लों में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखे, यानी कि आपको पत्र लिखने के लिए दिया जाएगा किसको, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात याद रखना कि जितनी जितनी अच्छी आपकी क्या होगी, लिखावट होगी, जितनी अच्छी आपकी लिखावट होगी उतना ही आपको अच्छा क्या मिलने वाला है, नंबर मिलने वाला है। और दूसरा, आपको फॉर्मेट में ही एक लिखना है, जो एक फिक्स फॉर्मेट होता है उसी में आपको ये पत्र लिखना है। ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी लिख दें, कहीं पर कुछ भी लिख दें, ऐसा आपको नहीं करना है। एक जो फॉर्मेट बना हुआ है ना, उसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो दबा के नंबर पाएंगे यार, बहुत चौचक वाला प्रश्न है। चलिए तो हम लोग वीडियोज को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, रटवा देंगे, क्या कर देंगे, रटवा देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए मैंने पूरा का पूरा लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पूरा पूरा लिखा है, अभी अपने आप को हाइड भी कर लेंगे, परेशान मत होइए, जो नहीं दिखाई दे रहा है ना अपने आप को मैं गायब कर दूंगा, छू मंत्र मारूंगा गायब, और आप आराम से आप उसको देख पाएंगे, ठीक है ना, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले भाई साहब आपको लिखना है सेवा में, क्या लिखना है, सेवा में। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो सेवा में रहे उसके ही नीचे विषय रहे, और उसके ही नीचे क्या रहे, महोदय रहे, और उसके ही नीचे क्या रहे, दिनांक रहे। और जो ये फॉर्मेट शुरू होगा, विषय वाला टॉपिक इसके बराबर लिखेंगे और सेवा में इसके बराबर ही लिखेंगे, तो ये आपको विशेष फॉर्मेट याद रखने की जरूरत है। और यही बच्चे गलती करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, मतलब कि समझ सकते हैं, दो बच्चे हैं, देखिए कुल मिला के सभी के लिए 100 नंबर का पेपर रहेगा और 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, समय रहेगा। दो बच्चे हैं, एक ये लड़का है और एक ये लड़का है, ये लड़का हिंदी के पेपर में 100 में से 99 नंबर लाता है, ये 100 में से 85 नंबर लाता है, ऐसा क्या कारण है। दोनों को सेम ही पढ़ाया गया, जो इस बच्चे को पढ़ाया गया वही इस बच्चे को पढ़ाया गया, लेकिन ये हिंदी में 100 में 99 नंबर पाता है, ये 85 नंबर पाता है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, ज़रा सोचिए। क्योंकि ये जो बच्चा जो 50 नंबर पाया ना, ये कुछ चीज़ें मिस्टेक किया है, जैसे राइटिंग विशेष फॉर्मेट में ना लिखना। और जो ये ऊपर वाला बच्चा है जो 100 में से 99 पाया है, ये एक अच्छी राइटिंग के साथ लिखा है, फॉर्मेट अच्छे से तैयार किया है, तो ये सब सारी गलतियां होती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, तो वही मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कैसे लिखा जाता है, और मैं सिखा भी दूंगा, परेशान मत हुई, हर एक पॉइंट को मैं कवर करूंगा, आपका छूटने वाला नहीं है। तो ये आप क्या लिखेंगे, सेवा में, फिर नगर स्वास्थ्य अधिकारी इलाहाबाद, सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी इलाहाबाद। अब कहेंगे का गुरु जी यहाँ वाराणसी नहीं लिख सकते क्या, वाराणसी नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या सर यहाँ पे लखनऊ नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई इशू नहीं है, यूपी से हैं, कोई भी यहाँ का जिला उठा के लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेवा में नगर स्वास्थ्य अधिकारी इलाहाबाद,
विषय, विषय का मतलब है कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं उसको ही पढ़ के कभी कभी जो अधिकारी होते हैं वो देख लेते हैं कि हाँ इसी के बारे में भाई साहब लिखा गया है, बस विषय देखते काम खत्म। तो विषय, इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस। तो विषय क्या लिखेंगे, मच्छरों के प्रकोप से डेंगू और मलेरिया बचने के लिए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो विषय है हमें ये डालना है कि जो मच्छरों का इतना प्रकोप हो गया है कि डेंगू और मलेरिया फैल रही है, और इससे बचने के लिए आप यहाँ पर सफाई करवाइए, ये जो नगर है वहाँ पर सफाई करवाइए, यही आपको यहाँ पे लिखना है। तो फिर क्या लिखेंगे नीचे, ये तो हो गया, फिर लिखेंगे महोदय, क्या लिखेंगे महोदय। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, उसको थोड़ा यहां पर आप लोग फोकस करिएगा। सेवा में सविनय निवेदन है कि सोहबतिया बाग प्रयागराज में भारी बारिश के बाद, यानी बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद फैले मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया के फैलने का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यानी कि जो सोहबतिया बाग है सर जी, जो सोहबतिया बाग है, थोड़ा सा आपने नहीं दिखाई दे रहा है, काम करते इसको इरेज कर देते हैं, सीधा मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। सेवा में सविनय निवेदन है कि, सेवा में श्रीमान सविनय निवेदन है कि सोहबतिया बाग प्रयागराज में भारी बारिश के बाद फैले मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया के फैलने का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जिसके कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई है, और जहाँ पर गंदगी रहती है वहीं पर मच्छर निवास करते हैं, इसीलिए आपको गंदगी अपने आसपास नहीं फैलानी है, आपको सफाई करना है ताकि मच्छर ना रहें और ना ही डेंगू और ये मलेरिया इतने भयानक जैसे बुखार हो और इसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है ना। इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए मैं एलनगंज के निवासियों की तरफ से आपसे आग्रह करता हूं कि आप इससे बचाव के लिए अभियान चलाएं और दवा का छिड़काव कराएं। मतलब कि सोहबतिया बाग में छोटा सा कस्बा कह सकते हैं एलनगंज, और यहाँ के निवासियों, समस्त निवासियों की तरफ से हम लोग जितने भी निवासी यहाँ पर, आपसे आग्रह करते हैं कि आप भाई साहब यहाँ पे सफाई करवा दीजिए और दवा का छिड़काव करवाइए, ताकि यहाँ पर जो लार्वा है, किसके लार्वा है, मच्छरों के लार्वा है, वो नष्ट हो जाए और किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले। हो गया। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपको डेट डालना है, यहाँ पे डेट देखिए कुछ भी डाल दीजिएगा, जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम है, जो भी अगर आप स्कूल से दे रहे हैं कुछ भी है, यहाँ पे आप डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे धन्यवाद, ठीक है ना, अप्रिशिएट करेंगे। उसके बाद भवती, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना क्योंकि नाम जो रहता है वो छिपा रहता है, तो इसलिए एक्स वाई जेड लिखेंगे, फिर नगर सोबतिया बाग प्रयागराज लिख देंगे। एग्जामिनर 6 में से 6 नंबर आपको पूरा दे देगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और यही है पत्र लेखन, और ऐसे ही आपको पत्र लेखन लिखना है और 6 नंबर बिल्कुल 100% क्या हो जाएगा, आपका पक्का हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसका PDF जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।